हाय एवरीवन। तो जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं किसको और उसको बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और हमने वहां पे सकल और विलास की स्टोरी भी देख ली। आज हमें एक एक करके डील करेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन होगा तो ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री बढ़ेगा, और इसके लिए कैसे हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेहतर होता है एजुकेशन के कारण, ये हमने सकल के स्टोरी में अच्छे से देख लिया कि सकल ने जब ग्रेजुएशन किया और अच्छी से कंप्यूटर डिग्री ली तो वो जाके कल को बहुत अच्छा जॉब पाने में कामयाब हो गया। तो हमने आगे देखना है कि सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सरकार चाह रही है कि लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में रहें और सबको यह फ़ायदा मिले। इसके लिए सरकार ने और भी काम किया कि नवोदय विद्यालय बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्कूलों में कंप्यूटर्स वगैरह को इंस्टॉल किया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, और सरकार ने साथ ही साथ अपना बजट भी 0.6% से 3.1% कर लिया है एजुकेशन पे। जब सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तो उसका आउटकम दिखेगा। आज लिटरेसी रेट हमारी 18% थी 1951 में, आज हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम आज के दौर में बहुत ज़्यादा, लगभग 8.5 लाख स्कूल बिहार में नहीं पूरे इंडिया में बनाए जा चुके हैं। अब इतना बेहतर काम होने के बावजूद देयर आर सम चैलेंजेस। व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस ये है कि भारत के अलग अलग स्टेट में आप चले जाइएगा, अलग अलग कास्ट, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों से मिलिएगा तो आपको पता चलेगा कि लिटरेसी रेट बराबर नहीं है सब लोगों के बीच में। जैसे केरला बहुत आगे है, बिहार बहुत पीछे है। उसी तरह कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो SC ST और जो लोग होते हैं उनका एजुकेशन बहुत पीछे है। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल, स्कूल का एक्सपेंशन तो कर दिया गया है, 8.5 लाख स्कूल है, लेकिन स्कूल में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें, जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हद तक बढ़ गया। हालांकि बिहार में अभी BPSC के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसके कारण एजुकेशन की क्वालिटी में पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ड्रॉप आउट रेट मतलब होता है कि बच्चे स्कूल में पूरी पढ़ाई कंप्लीट ना करें, पहले ही स्कूल छोड़ दें। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम और चलाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मतलब सारे लोग, शिक्षा मतलब शिक्षा, और अभियान ऐसी अभियान जिसमें सबको शिक्षा देने का पर्पस था। इसमें स्टार्ट मेन था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन सबको दिया जाए, और इसका मेन पर्पस था कि ये यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी कि जो बेसिक पढ़ाई होती है वो यूनिवर्सलाइज किया जाए, यानी सारे लोगों को दिया जाए, सारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी कास्ट, जाति, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ मिल के काम करना था। इसके लिए स्कूल की बैक टू स्कूल कैंप लगाए गए कि आप स्कूल चलिए, ब्रिज कोर्सेज को शुरू किया गया। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम को भी लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को खाना एक टाइम का अवेलेबल कराया जाता है, ताकि उनको अगर प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से कि खाना का समस्या है तो कम से कम खाने की ही वजह से वे स्कूल आएंगे और काफ़ी हद तक वो शिक्षा ग्रहण करने में भी सफल हो पाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है, तो इस हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया, तो बेसिक एजुकेशन हुई है। हायर एजुकेशन पर सरकार ये कर रही है कि स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम फोकस कर रही है, वोकेशनलाइजेशन ला रही है, नेटवर्किंग की कोशिश की जा रही है। वोकेशनलाइजेशन मतलब कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं जॉब सेंटरिंग एजुकेशन लाया जा रहा है, साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जा रही है, IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाया जा रहा है, कई यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल को अब धीरे धीरे जो है बनना शुरू हो गया, और हायर लर्निंग का जो इंस्टीट्यूशन है कोई ख़ास स्पेशलाइज्ड क्षेत्र का, जैसे कि लॉ कॉलेज वगैरह, ये सब अब बनना शुरू हो गया है, इसकी संख्या पहले से बढ़ गई है। बिहार, इसके अलावा भारत सरकार ने अब नई पॉलिसी लाई है, NEP, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, वो 10+2 की जगह पे 5+3+3+2 के आधार पे काम कर रही है। तो ये अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है एजुकेशन का। अगले वीडियो में हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ
इन इंडिया।